तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैदा की बिल्कुल एकदम अनोखी सी चटपटी सी रेसिपी। तो ये आपको देख करके समझ में आ ही गया होगा कि आज हम मैदा की क्या बना रहे हैं। तो यहाँ आपको देख करके समझ में आ ही गया होगा कि फ्रेंड्स आज हम मैदा की क्या बना रहे हैं। तो मैदा की एकदम अनोखी सी रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसको आप झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम सामान पे बना करके आप इसको तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मैदा की बिल्कुल नई रेसिपी। तो आज से पहले आपने ये रेसिपी मैदा की कभी भी ट्राई नहीं की होगी और ना ही आज से पहले आपने इस तरीके से देखी होगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नया तरीका है। एक कटोरी मैदा से ही आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। एक कटोरी से बहुत सारी बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से रेसिपी समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ लिए एक कटोरी मैदा। आप इसको बेसन से भी बना सकते हैं या फिर आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मैदा लिया है। तो हम इस रेसिपी को मैदा से ही बना रहे हैं। आप इसको बेसन से भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लेना है एक बड़ा कटोरी, इसमें डालना है आपको ये मैदा, जो आपने मैदा लिया अभी इसको आपको इसमें डालना है। तो देखिए यहाँ आपको अब क्या करना है, इसमें हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए अब इसमें पहले हमने थोड़ा ही पानी डाला था, अब इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। पानी डाल करके फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका आपको मतलब जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इसका मतलब कैसा आपको बैटर बनाना है। तो देखिए इस बैटर को ज़्यादा आपको पतला भी नहीं रखना है और ना ही आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो देखिए इसको बैटर को आपको अच्छे से फेंटना है, तभी आपकी रेसिपी अच्छे से बनेगी फ्रेंड्स। तो देखिए बैटर को पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें हमें थोड़ा पानी और डालना है क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है, तो थोड़ा पानी और डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये परफेक्ट बैटर है। इस तरीके का आपको इस बैटर को बना करके तैयार करना है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी, आप एक बार बना करके देखना। तो अब करना क्या है, इसको आपको ढक करके रख देना है थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तो अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद में। तो बैटर को आपको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देना, तो इससे क्या बैटर आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब इसमें डालने हैं हमें कुछ मसाले। तो यह डालेंगे हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक। नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और तीखे के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च। तो ज़्यादा मसाले हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो देखिए लाल मिर्च को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। मसाले आप इसमें अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको मसाले पसंद हो। लेकिन हमने इसमें थोड़ी डाली है लाल मिर्च, तो इससे ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। तो देखिए हमने बैटर को अच्छे से फिर से मसाले डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के लगभग इसमें तेल। तो देखिए तेल डाल करके तेल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना आपको बैटर में। तो देखिए ये बैटर बन करके हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो देखिए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलिए बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया। तो अब चलिए हम आगे की तैयारी और कर लेते हैं। तो यह देखिए रेसिपी बनाने के लिए हमारा यह देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो तेल को पहले ही हमने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं। तो देखिए ये इस तरीके का जो जाली वाला रहता है ना, वही हमने ये लिया है। तो इससे आप बूंदी भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आज बूंदी नहीं बना रहे। तो देखिए अब इसको ऐसे नीचे की साइड रखना है और ऊपर से इस कटोरी को हमें इस बैटर को डालते हुए ऐसे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसमें फिर से बनाएंगे इस तरीके से बैटर लेकर के। आपको इस पलटे को चारों तरफ इस तरीके से घुमाना है, इसलिए बराबर चारों तरफ अच्छे से निकलेगी। तो देखिए उनको आपको तुरंत बनाने के बाद में इस तरीके से पलटना, क्योंकि चारों तरफ इनका कलर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तब इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दिखने में वैसी लग रही है जैसे कि मार्केट में जो कटोरी चाट आती है ना, छोटी छोटी बच्चों की चटपटी सी, तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है। तो इनको हमें निकाल लेना तुरंत ही। तो इस तरीके से अभी और बचा हुआ बैटर है, तो उसके भी हम बना लेते हैं। तो देखिए एक कटोरी हमने छोटी कटोरी मैदा ली थी, तो देखिए उससे देखिए कितनी अच्छी ये कटोरी सी बन करके तैयार हुई है, छोटी छोटी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही थी। खाने में भी क्रिस्पी सी, देखिए बिल्कुल ऐसे ही टूट रही थी, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही थी। या हमने इसको थोड़ा चटपटा भी बनाया था, तो बहुत ही अच्छी लगी थी खाने में। तो हमने इसको दो तरह की बना करके तैयार किया था। तो एक तरह की आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने बनाया था, और दूसरी देखिए ये हमने इनको आपको ज़्यादा नहीं पकाना, अगर आप ज़्यादा नहीं पकाएंगे ना तो देखिए इसका ये इस तरीके से ये कलर बनेगा। देखिए अब इसमें थोड़ा तेल है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तेल नहीं रहेगा इसमें थोड़ी देर के लिए। तो देखिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। ये हमने अभी बनाया था, तो इसमें थोड़ा सा तेल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा कलर मतलब इस तरीके का रखना चाहें ना, तो थोड़ा कम इसको फ्राई करिए, तो ये बहुत ही अच्छी इस तरीके से बन करके तैयार होगी। तो दोनों ही बहुत ही अच्छी लग रही हैं दिखने में और खाने में भी। तो फ्रेंड्स आपको इनमें से कौन सी, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो इनमें कुछ मसाले डाल करके भी खा सकते हैं।